नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपकी कॉल्स हैं वो अटेंड नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कि 5 मिनट या फिर 2 मिनट बातें करने से क्या हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जो कॉल्स हैं वो 1 या 2 नहीं आती हैं कि 2-4 मिनट या 10 मिनट में काम चल जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो कॉल्स हैं वो आती हैं, जिससे कि जो फिलहाल जो रिवीजन का समय है, पढ़ने का समय है, वो फिर मेरा उसमें चला जाता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मेरे पास जो कॉल्स हैं वो न करें। फिर बात आती है कोर्ट केस की, तो कुछ साथी हैं जिन्होंने अभी तक कोर्ट केस नहीं किया है, पीजीटी वाले, वो कोर्ट केस करना चाहते हैं और कोर्ट केस करके जो परीक्षा में बैठना चाहते हैं वो एक चांस ले सकते हैं कि शायद जो परमिशन है कि आपका जज साहब का मूड बन जाए और परमिशन दे दें। लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है कि लास्ट डेट के बाद में जो परमिशन है वो नहीं मिलती है। लास्ट डेट के बाद अगर आपकी याचिका वो पहले लगी हुई होती तो आपको परमिशन मिल सकती थी, लेकिन अब चांसेस हैं वो न के बराबर हैं। बाकी आप जो अपने वकील साहब हैं उनसे बात कर सकते हो। फिर बात आती है वो साथी पीजीटी के जिन्होंने पहले से कोर्ट केस कर रखा है और अपनी याचिका है वो लगा रखी है, लेकिन उनकी जो याचिका है वो खारिज हो गई थी, परमिशन है उनको नहीं मिली थी। उनके लिए ये सूचना है कि उनको परमिशन है वो मिल सकती है अगर वो अपनी याचिका है वो फिर से लगवाएं तो। मतलब कि जो ये विकास सर वाले जो केस का जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर को दिखा के कि सेम मैटर पे जो दो डिसीजन है वो नहीं हो सकते हैं, तो एक ये भी हो सकता है। मतलब कि आप अपने वकील को बोलिए कि वो इस जजमेंट की जो कॉपी है वो लगा के आपकी जो याचिका है वो पुनर्विचार के लिए भेजें, तो जो आपको परमिशन है वो मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी जो याचिका है वो लास्ट डेट से पहले लगी थी। और दूसरा ये कि सेम प्रकार के मैटर में जो कोर्ट है वो अनुमति दे चुका है, तो आपको भी अनुमति मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। फिर बात आती है टीजीटी वाले, तो टीजीटी वाले साथियों को अभी से कोर्ट केस में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो 23 तारीख का इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि आपकी भर्तियाँ नहीं आई हैं। उसके बाद में अगर क्या कुछ डिसीजन रहता है उसके बाद भी आप अप्लाई अपना जो कोर्ट केस है उसके अंदर जुड़ सकते हो, क्योंकि वैकेंसियाँ तो अभी आई नहीं है। लेकिन हाँ, जो पीआरटी वाले साथी हैं उनकी वैकेंसियाँ आई हुई हैं तो वो कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं, वैकेंसियों में बैठने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोर्ट केस करने में किसी प्रकार की भी मदद है वो नहीं कर सकता हूं, और जो ये मैंने जानकारी दी है मैंने अपने जो भी स्रोत हैं उनके भी आप पे बिल्कुल सही जानकारी है वो देने की कोशिश की है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने बोल दिया वही सही है, आप किसी और अन्य व्यक्ति से जो सलाह है वो ले सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उन सभी का जो जवाब है वो दे दिया है। हाँ, फिर ये कह रहे हैं कि सर आपने जो कोर्ट केस किया था वेश मार्क्स का उसमें ऐड हो सकते हैं क्या? तो नहीं जी, ऐसे सीधा ऐड नहीं हुआ जाता है, अलग से रिट डाली जाती है और अलग से वकील तभी रिट है वो डालता है जब उसके पास में काफ़ी सारे बच्चे हों। तो आप हमारे साथ तो ऐड नहीं हो सकते हो, आपको किन्हीं दूसरे वकील से बात करनी पड़ेगी। आप अपने बिहाफ के ऊपर वकील को खोजिए जिस वकील से आप कोर्ट केस करना चाहते हैं। फिर है, हाँ Thank you.
साथी ने बोल रखा है कि मैंने आपको इतनी बार बोला है कि जिन्होंने टीजीटी ग्रेस मार्क्स पर केस किया हुआ है उनके नंबर दे दीजिए, आपने बिल्कुल नहीं दिया। जिन वकील साहब ने हमें ये बोला है कि मेरे नंबर आप शेयर कर सकते हो, मैं हम उनके नंबर शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने ये बोला है कि आप हमारे नंबर हैं वो शेयर मत करना, तो हम उनके जो नंबर है वो शेयर नहीं कर सकते हैं। और ये जो केस है पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग अलग नहीं हुए हैं, सभी कोई भी साथी किसी भी केस में जुड़ सकता है क्योंकि ये मैटर सभी का सेम है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी का सेम ही है जी। हाँ, लेकिन जो अनुमति के लिए जो याचिका लगती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है बस, बाकी जो मेन मैटर है वो सेम है। जो भी केस का रखे हैं उनकी जो डिटेल है वो पहले ग्रुप के अंदर भेजी जा चुकी है। फिर एक मैम कह रही हैं कि मैंने वकील को 7,000 रुपये दे दिए और उसने अभी तक रिप्लाई भी नहीं दिया है। मुझे भी पीजीटी का फॉर्म फिल करना है। हाँ जी, तो आप जिस भी वकील के पास में जा रहे हैं, जिस भी ग्रुप में जा रहे हैं, तो आप वो फैसला आपका होगा। आप किसी प्रकार का जो ब्लेम है वो इस ग्रुप के जो एडमिन्स हैं या संचालक हैं उनके ऊपर नहीं कर सकते। अब जो भी साथी हैं को ग्रुप बना के अपना कोर्ट केस करना चाह रहे हैं तो वो भी लिंक भेज रहे हैं या फिर कोई पर्सनली वकील के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो वो आप अपनी समझ से कीजिएगा। बाद में ये मत कहना कि मैंने उनके कहने से कोर्ट केस किया था, मैंने उनके ग्रुप में लिंक आया था। ये ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया था। अगर हम ये लिंक्स हैं भेजना, जो भी लिंक साथी भेज रहे हैं, अगर हम उनको हम मना कर देते हैं तब भी समस्या आती है क्योंकि फिर आप लोग एक साथ नहीं आ पाओगे जिनको कोर्ट केस करना है। तो इसीलिए जो भी साथी हैं वो कोर्ट केस कर रहे हैं, उन्होंने अपना जो लिंक है वो भेज दिया है, आप अपनी समझ से उनके अंदर आप जुड़ सकते हो। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके जो कॉल मैसेज हैं वो कुछ दिन तक मेरे पास न करें ताकि मैं अपनी जो तैयारी है वो कर सकूँ। आपको भी पता है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपकी कॉल्स हैं वो अटेंड नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कि 5 मिनट या फिर 2 मिनट बातें करने से क्या हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जो कॉल्स हैं वो 1 या 2 नहीं आती हैं कि 2-4 मिनट या 10 मिनट में काम चल जाता है।